वेलकम टू स्टे माई फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग कपड़े को चेस्ट के मेज़रमेंट के हिसाब से नाप लगा लेंगे। मेरा चेस्ट का मेज़रमेंट का हिसाब आया है 11 इंच। 11 इंच पे हमने मार्क लगा लिया है और ऊपर का जो कपड़ा है उसको हम सीधा एक कपड़े को सीधा कर लेंगे। फिर लंबाई, ब्लाउज का लंबाई है 13 इंच। हम लोग यहाँ पे 1+ करके लेंगे 14 इंच। 14 इंच पे हम लोग मार्जिन खींच लेंगे। अब हम लोग लेंगे शोल्डर का नाप, क्योंकि ये बैक साइड डीप नेक है, इसलिए 5.5 पे शोल्डर का नाप लगाया है। अब हम आर्म होल का भी मेज़र लगाएंगे 5.5 पे, क्योंकि ये पीछे का गला खुला हुआ है, इसलिए शोल्डर, जब हम लोग शोल्डर छोटा लेते हैं तब आर्म होल भी छोटा लेना ज़रूरी है। अगर आर्म होल ज़्यादा लेंगे तो हम लोगों का आर्म होल का फिटिंग्स अच्छा नहीं आएगा। अब हम लोग 1.5 इंच पे एक, क्योंकि ये बैक आर्म होल का है इसलिए हम लोग 1.5 इंच पे इसकी गुलाई देंगे और गुलाई को हम थोड़ा सा नीचे करते हुए जाएंगे ताकि हम लोगों का फिटिंग्स अच्छा आए। बैक का गला आप लोगों के हिसाब से लगाइए। ये राम यहाँ पे 10 इंच पे गला खुल रहा है, आप लोग अपने हिसाब से, लेकिन ये मेज़रमेंट 5.5 शोल्डर का मेज़रमेंट डीप नेक के लिए ही है। अगर आप लोगों का नेक का मेज़रमेंट छोटा होगा तो शोल्डर बड़ा रखना ज़रूरी है, और साथ में आर्म होल भी। आर्म होल के साइड हम लोग 1/4 इंच दबा देंगे और नीचे हम लोग 1 इंच माइनस करके वेस्ट का नाप लगा लेंगे, और जब फिटिंग्स करेंगे, जब स्टिचिंग करेंगे तब हम लोग फिटिंग्स का नाप लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों को नीचे 2-2, 1-1 इंच का 2 टैक्स भी लगाना है, और 1/2 इंच हम लोग ऊपर कर देंगे क्योंकि ये पीछे का गला खुला हुआ है, इसलिए अगर नहीं करेंगे तो ब्लाउज में झोल आ सकता है। अब इसी के अकॉर्डिंग, कटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग कटिंग कर लेंगे, मेज़र के अकॉर्डिंग, सॉरी। अगर मेरा कटिंग अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप लोग लाइक करना भूल जाते हो, एक लाइक तो ज़रूर कीजिए, अभी एक लाइक कर दीजिए। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फ्रंट का भी पीस कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट का, फ्रंट के लिए हम लोग खुला साइड लेंगे, क्योंकि ये प्रिंसेस कट फ्रंट ओपन ब्लाउज है, इसलिए हम लोग पहले 1/2 इंच छोड़ देंगे हुकाई के लिए। हुकाई के सिलाई मार्जिन के लिए 1/2 इंच छोड़ देंगे और नीचे का कपड़ा सीधा कर लेंगे। हम लोग जो ब्लाउज है उसका यहाँ तक नीचे के साइड हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हम लोग ये प्रिंसेस का डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करेंगे। अगर कागज़ पे कटिंग कर लेते तो हम लोगों को 1 इंच होने से, 1 इंच या 0.5 इंच होने से हो चल जाता, लेकिन क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करेंगे इसलिए हम लोगों को 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, और पूरा बैक पार्ट के हिसाब से पूरा छाप ले लेंगे। और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ये हम लोग
डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करेंगे, इसलिए हम लोग आर्म होल्स के साइड 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और टास्क के लिए नीचे प्रिंसेस कट के लिए हम लोग 2.5 इंच, क्योंकि अपर चेस्ट के हिसाब से बस्ट का फुल बस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग 2.5 इंच नीचे एक्स्ट्रा लेंगे। अगर किसी का फुल बस्ट ज़्यादा हो तो 3 या 3.25 भी हम लोग एक्स्ट्रा ले सकते हैं, वो फुल बस्ट के हिसाब से होता है। आर्म होल के साथ थोड़ा ऊपर कर देंगे 1/4 इंच, नहीं तो फिटिंग्स अच्छा नहीं आएगा। और आर्म होल के साइड से नीचे के 2.5 इंच पर जहाँ पर मार्क किया था वहाँ तक एक निशान लगा लेंगे। और ब्लाउज का साइड का भी हिसाब करते हुए हम लोग नाप लगा लेंगे। इसी नाप के अकॉर्डिंग हम लोगों का नीचे का पोर्शन कटिंग होगा। बस्ट पॉइंट है 9 इंच, हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हम लोगों का आएगा 10.5 इंच, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करेंगे इसलिए हर जगह हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। ये हम लोगों का बस्ट पॉइंट, और बस्ट पॉइंट का मेजरमेंट लगाएंगे हम लोग चेस्ट का 10वां हिस्सा, तो हम लोगों का आता है 3.6 इंच, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है। अब सीधा निशान लगा लेंगे और इस निशान के दोनों तरफ हम लोग और 2.5 इंच को मार्क लगाएंगे। 1.25 इंच 1.25 इंच में डिवाइड कर लेंगे, तब हम लोगों का पूरा पूरी 1.5 इंच 2.5 इंच का हिसाब ठीक हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से प्रिंसेस का, आप लोग डायरेक्ट गुलाई में भी दे सकते हो, और उस तरफ हम लोग थोड़ा गुलाई देंगे ताकि हम लोगों का प्रिंसेस का जो पाव बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन गुलाई नहीं देने से पाव अच्छा नहीं बनता। थोड़ा गुलाई कर दीजिएगा, इससे पाप बहुत अच्छा बनता है। पैड यूज़ ना करने से भी फिटिंग्स बहुत अच्छा आता है। और फ्रंट लेंथ है इसका 6 इंच, तो हम लोग 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और इसका फ्रंट नेक भी गोल है तो हम लोग गुलाई कर लेंगे। और नीचे के साइड हम लोग जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिए थे 1.5 इंच का, वो 1.5 इंच हम लोग माइनस कर देंगे, लेकिन वो हम लोग प्रिंसेस की कटिंग की जगह माइनस नहीं करेंगे, तब हम लोगों का ब्लाउज छोटा हो सकता है, प्रिंसेस फिटिंग्स नहीं आएगा। उस जगह तक हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और बाकी हम लोग मिला देंगे। अब हम लोग कटिंग कर लेंगे। शोल्डर के तरफ 1/4 इंच डाउन कर दीजिएगा, तब फिटिंग्स बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे हम लोग आर्म होल का एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक हम लोगों का 1-1 इंच जब सिलाई में दबेगा, 1/2 इंच करके 1 इंच, तब ब्लाउज़ का आर्म होल ऐसे ही थोड़ा डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर बोट नेक हो तो शोल्डर हम लोगों को ज़्यादा चाहिए, ये ध्यान में रखिए। बोट नेक का कटिंग हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करने से हम लोगों को फॉर्मा बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता और ब्लाउज़ का डिज़ाइन भी अच्छा आता है, क्योंकि हर एक ब्लाउज़ का डिज़ाइन अलग होता है तो उसी के हिसाब से ब्लाउज़ का कटिंग भी अलग ही होता है। हम लोगों का फ्रंट पार्ट का भी कटिंग हो चुका है, अब हम लोग बैक पार्ट हम लोग स्लीव्स कटिंग करेंगे, इसलिए हम आर्म होल का हिसाब माप लगा लेंगे। यहाँ पे 8 इंच आया है, सो हम लोग 9 इंच
का फोल्ड फोल्ड में 9 इंच लेंगे। कपड़े को फोल्ड फोल्ड करेंगे, उसको 1 इंच एक्स्ट्रा लेने से आर्म होल का फिटिंग्स बहुत अच्छा आता है। आपका ब्लाउज का जितना आस्तीन का नाप हो उतना लगा लीजिए। मेरा तो 9 इंच है, मैंने 10 इंच पे लगाया है नाप। यहाँ पे थोड़ा कपड़ा कम है तो हम लोग एक्स्ट्रा कपड़ा ज्वाइन कर लेंगे। आस्तीन के लिए हम लोग 3 इंच पे निशान लगाएंगे, नीचे भी 3 इंच ऊपर भी 3 इंच पे हम लोग निशान लगाएंगे गोलाई देने के लिए। और साइड से हम लोग 1.5 इंच 2 इंच हम लोग एक्स्ट्रा लिए थे, लेकिन 1/2 इंच हम लोग सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे और 1.5 इंच पे हम लोग अब कटिंग कर लेंगे। इसी टुकड़े को हम लोग साइड में ज्वाइन करेंगे, इससे हम लोगों का देखिए ये टुकड़ा ज्वाइन करने से फिटिंग। और दूसरा कोई अगर 1.5 इंच का हो तो इसी से हम लोगों का काम चल जाएगा। अब हम लोग मेन फैब्रिक कटिंग करेंगे इसी को रखते हुए। मैं यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा, मैं हमेशा एक्स्ट्रा रख के कपड़ा, मेन फैब्रिक को हमेशा एक्स्ट्रा रख के कपड़ा कटिंग करती हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग कटिंग कर लीजिएगा। नेक अब हम लोग नहीं कटिंग करेंगे, नेक हम लोग स्टिचिंग करके आस्तीन फिटिंग करके कटिंग करेंगे। अब आस्तीन को भी उसी अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आस्तीन का हम लोगों को एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं चाहिए, 1 इंच कम था लेकिन यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा है। देखिए पूरा पूरी एक है तो हम लोगों को एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं चाहिए। अब फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा गोलाई देंगे क्योंकि डीप नेक है, सो हम लोगों को यह ध्यान में रखना है। अगर आर्म होल 5 या 6 इंच पे आर्म होल लिया जाता है तो आर्म होल की गोलाई में थोड़ा, फ्रंट आर्म होल की गोलाई में ज़्यादा कपड़ा नीचे दबाना नहीं पड़ता। उसी अकॉर्डिंग हम लोग फ्रंट के सभी पार्ट को कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पिनअप कर लिया है ताकि कपड़ा हिल ना जाए। आप लोग भी कोशिश कीजिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेने से कभी फिटिंग्स में, आप लोगों को करके देखिए प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी कभार होता है कि हम लोगों को कपड़ा अस्तर अटैच करते वक्त कपड़ा छोटा पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे तो यह प्रॉब्लम कभी हम लोगों को फेस करना नहीं पड़ेगा। उससे इस पार्ट को भी कटिंग कर लेंगे। और सभी से अनुरोध एक लाइक तो ज़रूर कीजिए। एक वीडियो में अगर हम लोग स्टिचिंग भी सीखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए स्टिचिंग का वीडियो एक्स्ट्रा डालेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लोग ज़रूर जल्दी जल्दी डालेंगे। बाय बाय।